देखो, इस महीने अगर आपको नई कार लेनी है, अगर आप किसी नए कार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस महीने इंडिया में 5 नई कारें लॉन्च होने वाली हैं, जिनका इंतज़ार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो लॉन्च डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है, यानी इन सभी कारों की जो लॉन्च डेट है वो सामने निकल कर आई है। आगे जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कार को इंडिया में किस तारीख को लॉन्च किया जाना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना। जो सबसे पहले कार आती है जिसको अगले 2 दिन के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाना है, वो है किया की करेंस। किया की तरफ से आने वाली ये पहली MPV कार होने वाली है, जिसको ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया जा चुका है। ये एक 6 सीटर और 7 सीटर MPV कार होने वाली है, और किया कंपनी ने इसका एक्सटीरियर लुक कम्प्लीटली चेंज किया है, यानी किया करेंस के अंदर आपको कम्प्लीटली नया लुक देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रंट फीशिया भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और साइड से और रियर से दिखने में किया की करेंस काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। लेकिन किया कंपनी के आज के डेट में सेल्स बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, मतलब जिस तरह से सेल्टॉस को सोनेट को पहले पसंद किया जाता था, उस तरीके से इनकी जो सेल्स है वो नहीं हो पाती आज के डेट में। अब करेंस के लॉन्च होने के बाद ये सेल्स शायद ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किया कंपनी करेंस को 15 फरवरी यानी 2 दिन के बाद इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और करेंस की कीमत इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद 10 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में इसी महीने लॉन्च किया जाना है, वो है बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल। रिसेंटली मारुति सुजुकी कंपनी ने एक टीजर वीडियो रिलीज किया था, जिसके अंदर ये साफ किया था कि इसके अंदर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर के तौर पर आपको हेडअप डिस्प्ले का फीचर मिलने वाला है, जो कि ड्राइवर भैया के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन को काफी ज्यादा अपडेट किया है, जैसे कि इसके अंदर आपको नया लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा, नए ग्रिल्स इसके अंदर दिए जाएंगे, और बाकी के लेआउट्स कंप्लीटली चेंज किए जाएंगे। तो यहाँ पर बलेनो फेसलिफ्ट रेडी है इंडिया में लॉन्च के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मारुति सुजुकी कंपनी इसके सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। मारुति सुजुकी का यह भी मानना है कि ये सेफ्टी रेटिंग्स के तौर पर अच्छे खासे स्कोर हासिल कर पाएगी। अभी यह तो आने वाला समय बताएगा जब इसका क्रैश टेस्ट हो जाएगा। हालांकि जो प्रीवियस मॉडल था, यानी प्रीवियस जनरेशन वाला मॉडल था, उसको सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले थे, तो उसकी वजह से मारुति सुजुकी कंपनी इसके सेफ्टी के ऊपर काम कर रही है। और मतलब मारुति सुजुकी कारों की सेफ्टी आप सभी लोगों को पता ही है। लेकिन मारुति सुजुकी कंपनी बलेनो फेसलिफ्ट मॉडल को इंडिया में 23 फरवरी को लॉन्च करने वाली है, यानी 23 फरवरी को इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। रही बात कीमत की, तो इसकी कीमत लाइक 6 या फिर 6.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है, वो है जीप कंपास का ट्रेलहॉक मॉडल। हालांकि जीप कंपनी ने पिछले साल यानी फेब्रुअरी 2021 में कंपास को इंडिया में लॉन्च किया था, यानी न्यू जनरेशन कंपास को लॉन्च किया था, जिसके एक्सटीरियर में बहुत बड़े अपडेट्स करे गए। इसके अलावा इंटीरियर भी आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको ट्रेलहॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई ट्रेलहॉक का मतलब होता क्या है। हालांकि ट्रेलहॉक का मतलब होता है रग्ड, इसके अलावा प्योरली ऑफरोडर। तो यहाँ पर जीप कंपास के अंदर हमें प्योर ऑफरोडर मॉडल देखने को मिल जाएगा, जिसको ट्रेलहॉक नाम से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और इसको कंप्लीटली ऑफरोडिंग के लिए बनाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 4x4 का सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, और बाकी के ऑफरोडिंग के सभी फीचर्स इस ट्रेलहॉक मॉडल के अंदर दिए जाएंगे। और जीप कंपनी इस कार को इस महीने के एंड तक इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी। लाइक इसके अंदर आपको ऑफरोडिंग के सभी फीचर्स मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसकी कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर चली जाएगी। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में इसी महीने लॉन्च किया जाना है, वो है स्कोडा की स्लाविया। हालांकि इसको ऑलरेडी रिवील किया जा चुका है, यानी इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स सामने निकल कर आए हैं, लेकिन ये कार लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इसका जो मुकाबला रहने वाला है वो होगा हुंडा की सिटी के साथ। इसके अलावा ये कम्पीट करने वाली है हुंडा की वेरना के साथ। स्कोडा कंपनी ने इसके अंदर काफी बढ़िया फीचर्स को दिया हुआ है। इसका इंटीरियर भी काफी जबरदस्त है, और इसका एक्सटीरियर लुक दिखने में काफी जबरदस्त है। इसका फ्रंट फीशिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फ्रंट से दिखने में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और इसका रियर का फीशिया काफी जबरदस्त है। ये कार तो डेफिनेटली हुंडा सिटी और हुंडा वेरना को टक्कर देने वाली है, और आज के डेट में स्कोडा की कुशक और वॉक्सवैगन की टाइगून, इन दोनों ही कारों को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। और स्कोडा कंपनी स्लाविया को 28 फरवरी को लॉन्च करने वाली है इंडिया में, यानी इसकी लॉन्च डेट है 28 फरवरी। इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो लगभग 10 या फिर 10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस।
वही जो लास्ट कार आती है जिसको इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है, जो कि मोस्ट डिमांडेड कार है आज के डेट में, वो है मारुति सुजुकी की वैगन आर। इसका फेसलिफ्ट मॉडल इसी महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन पिछले महीने ये मोस्ट सेलिंग कार थी। मतलब आज के डेट में वैगन आर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, एक्सटीरियर में इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा और इसको इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कीमत रहेगी वो लगभग 5-5.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो इन 5 कारों को इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इनमें से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।